चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज कई देशों में तेजी से फैल चुका है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 130 पहुंच चुकी है और अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राजदूत सन बेईडोंग के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। परिवादी सुधीर ओझा का कहना है कि जानबूझकर साजिश के तहत चीन ने वायरस बनाकर पूरे विश्व को दहशत करने का काम किया है। कोरोना वायरस गुपचुप तरीका से बना करके और उसको फैलाने का कार्य संक्रमण बीमारी फैलाने के उद्देश्य से, लोगों की मौत करने के उद्देश्य से और विश्व का सुपर पावर बनने के उद्देश्य से जिस तरह से चाइना के द्वारा यह बीमारी फैलाई गई है, उसी मामले को लेकर के मैंने चाइना के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग और उसके जो राजदूत हैं सन बेईडोंग के खिलाफ आईपीसी की धारा 260, 170, 190, 120 बी के तहत यह मामला मैंने माननीय स्टेडियम बेस्ट श्री मुजफ्फरपुर की अदालत में दाखिल किया है। और मैंने कहा है कि सन 1981 में ही एक किताब आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि चाइना गुपचुप रूप से वुहान में इस वायरस को बना रहा है और इसका यूज करेगा और वह आज चाइना के द्वारा कर दी गई है। इससे प्रमाणित होता है कि जितने भी लोग इस बीमारी से मर रहे हैं उसका सारा जिम्मेवारी चाइना के द्वारा है और संक्रमण रोग फैला करके लोगों की मृत्यु का रहा है अपने सुपर पावर बनने के लेकर के, और देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर इसका संक्रमण फैल रहा है। कई लोगों की मौत भी इस देश में हुई है, विश्व में हजारों हजारों मौत हुई है और बीमारी से भी लोग जूझ रहे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर के केस फाइल मैंने किया है। आपको बता दें कि अब तक दुनिया में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक देश भर में 130 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें महाराष्ट्र से 3 साल की बच्ची भी शामिल है। न्यूज़ डेस्क।